हमारा महान देश भारत का संसद देश के कानून बनाने का उच्चतम संस्था है। दोस्तों, हमारे संसद दो हिस्सों में बटा है, पहला राज्यसभा जो कि हम उच्च सदन भी उसे बोलते हैं, और दूसरा है लोकसभा जिसे हम निचला सदन भी बोल सकते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल पावर होता है जिसके वजह से वो दोनों सदन के कार्यवाही को किसी भी समय रोक सके। 130 करोड़ वाले इस देश के हर कोने से आने वाले प्रतिनिधि यहाँ हमारे देश को चलाने में मदद करते हैं। ऐसे और भी कुछ दिलचस्प बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। शुरू करने से पहले बताते हैं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, संसद की नींव का पहला पत्थर 12 फरवरी 1921 को किया गया था। गोलाकार आकृति जैसा दिखने वाला संसद भवन का व्यास 170.69 मीटर है और परिधि लगभग आधा किलोमीटर है। पहला तल 144 खंभे के ऊपर टिका हुआ है। हर खंभे की लंबाई 27 फुट है। पूरा भवन 6 एकड़ में फैला हुआ है। मशहूर वास्तुविद एडविन लुटियन ने संसद का डिज़ाइन किया था। इसको बनाने में 6 वर्ष समय लगे और करीब 83 लाख रुपये का खर्च हुआ था। संसद भवन में स्थित लाइब्रेरी देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। लोकसभा के भीतर का कलर ग्रीन है जो कि कृषि समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और राज्यसभा के अंदर का कलर रेड है जो कि देश के स्वतंत्रता सेनानी के याद में किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा की शेप घोड़े की नाल जैसी दिखती है। भारत के राष्ट्रपति का ऑफिस का नंबर 13 है। संसद की कार्यवाही का पहला घंटा जो कि 11 से 12 बजे के बीच बजता है उसे प्रश्नकाल कहते हैं। संसद भवन की कैंटीन सबसे सस्ती कैंटीन में से एक है। यहाँ 12 रुपए में पेट भर का खाना मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस महंगाई वाली समाज में ये एक सुखद समाचार है। इमरजेंसी के दौरान लोकसभा को 1 वर्ष तक बढ़ा दिया जा सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों, हमारे देश में वोटर बनने के लिए 18 वर्ष ज़रूरी है, लेकिन सांसद बनने के लिए 25 वर्ष होना ज़रूरी होता है। आज इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर कुछ आप बोलना चाहें तो कमेंट बॉक्स पर लिखना भी ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।